देखिए यहाँ पे जो भिंडी के पौधे हैं, ये देखिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस फिलहाल हम खेत जा रहे हैं, विष्णु और अभिषेक भी मेरे साथ जा रहे हैं, हरा चारा लाना है हमें। क्या कर रहा है? नहीं जा रहा है। तो गाइस अभिषेक नहीं जा रहा है क्योंकि धूप जाता है ना, तो इसका मन नहीं करा है। गेट बंद कर दो। बिल्कुल भी मन नहीं करा उसका, तो हम जा रहे हैं विष्णु और मैं। गेट बंद कर दे पहले। तो गाइस फिलहाल खेत में पहुंच चुके हैं और हरे चारे में पानी लगा रहा है बालाराम। यहाँ पर आप देख सकते हो, देखिए पानी चल रहा है अभी। और बालाराम भाई साथ में है, वो नरमा है ना, उसमें खरपतवार निकाल रहा है, तो पानी भी साथ में चल रहा है। तो अभी ये ज्वार इसकी कटिंग करेंगे और गाड़ी में डाल करके घर पे जाएंगे। और इधर है ना, वो बाजरा बिजाई कर दिया, देख सकते हो आप। ये देखिए यहाँ पर जो बरसीम रिज को था ना, उसको काट दिया है और यहाँ पर बाजरा बिजाई कर दिया है। तो गाइस फिलहाल हरा चारा हमने काट लिया और गाड़ी में सेट भी कर दिया। यहाँ पे ये देखिए जो पानी है वो इस कैरे के अंदर अभी चलाया है हमने, तो लगभग थोड़ा रहा है ये कैरा। ये भीगने के बाद है, वो हम घर पर जाएंगे। विष्णु तो ट्रैक्टर पर बैठ गए, तो उसके बाद है बालाराम भाई शायद आगे तक और निकाल देगा पानी, या फिर वो भी घर पर जाएगा, पता नहीं है, फ़ोन करके पूछना पड़ेगा। फिलहाल हमने जो हरा चारा वो लोड कर लिया है, चलें विष्णु। क्या ये क्या ले करके जाए, खाएगा इसको? तो ये ज्वार की डोकी है ना, तोड़ ली इसने, और ये हमने हरा चारा यहाँ से काटा है। बालाराम भाई उधर लगे हुए हैं, भाई और भाभी दोनों, दिखा देता हूँ आपको, जूम करके दिखाता हूँ। वो देखिए गाइस, वहाँ पे खरपतवार निकाल रहे हैं। तो भाई धूप ज़्यादा है, तो वहाँ तक तो कौन जाए, हम तो चलते हैं घर पे। ये कैरा लगने के बाद बंद कर देंगे सोलर को, उसके बाद जाएंगे घर पे। और भाई को फ़ोन कर दें, भाई और अगर पानी लगाना चाह रहा है तो लगा देगा, वरना फिर वो भी घर पे जाएगा, तो फिर कल लगाएंगे। थोड़ा ही रहा है ये कैरा। तो भाई फिलहाल हम जा रहे हैं घर पे, ये हमने बंद कर दिया है यहाँ पे पानी, सोलर बंद कर दिया है, और विष्णु ज्वार खा रहा है। गाइस समय हो गया 11 का, काफ़ी धूप ज़्यादा है। तो गाइस फिलहाल हम घर पर पहुंच चुके हैं, ट्रैक्टर हमने गैरेज के अंदर खड़ा कर दिया क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, और हरे चारे भी हमने एक बार चादर से ढक दिए क्योंकि लाइट नहीं है फिलहाल। अगर लाइट होती तो अभी काट के रख देते यहाँ पे, लेकिन एक बार इसको ढक दिए चादर से ताकि धूप डायरेक्ट नहीं पड़े हरे चारे पे, और थोड़ा अंदर भी है गैरेज में। तो अभी चलते हैं अंदर। तो गाइस ये यहाँ धूप में है ना, पौधों के नीचे घास काट रहे हैं। देखिए ये धूप में क्या काम शुरू कर दिया, पहले लगभग रोज़ है ना 2-3 पौधे ना वो साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी खरपतवार हो गए नीचे, तो अभी लगे हुए ये पौधा कर दिया, वो वाला भी कर दिया। हरी धूप बहुत ज़्यादा है पौधों के नीचे, तो बरसात का मौसम आने वाला है ऐसे में। ये देखिए हम खेत से आए हैं और यहाँ पे देखिए 2-3 दिनों से पौधों के नीचे सारी सफाई कर दी, देख सकते हो, उधर भी उधर भी, और बीच में ना वो तोई लगा देंगे ट्रैक्टर से, फिर ये कंप्लीट साफ हो जाएगा। तो गाइज फिलहाल नहा धो के तैयार हैं और शाम के 5 बजने वाले हैं। आज इतनी ज़्यादा धूप थी गाइज, क्या बताऊँ मैं आपको। ये देखिए जो पपीते का पेड़ है ना हमारा, ये देखिए पूरा जल के राख हो गया। ये देखिए ये बेल थी यहाँ पे, ये भी थोड़ी सी देखिए लटपटा चुकी है, और ये तो पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। ये देखिए क्या करें, और भी दिखाता हूँ मैं बाग में विष्णु के पौधे। विष्णु इधर आ, तेरे पौधे। इतनी ज़्यादा धूप थी, यानी टेम्परेचर लगभग 48-49 के करीब था। देखिए यहाँ पे जो भिंडी के पौधे, ये देखिए इस प्रसार से सारे जल गए हैं। देखिए इधर, ये देखिए जो घिये की बेलें थी गाइस, ये देखिए इनकी कंडीशन, ये देखिए इतनी ज़्यादा गर्मी थी भाई, क्या बताऊँ। इस गर्मी में है ना सब कुछ जल के स्वाह हो गया है, जो भी छोटी बेल थी, जो भी भिंडी के पौधे थे, जो भी तर्क की जो बेल थी वो थी, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है। अभी मैं नहा के आया हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और अभी भी पसीना आ रहा, देख सकते हो आप। 5 बजने वाले हैं,
5 बज चुके हैं, फाइनली बजने वाले क्या हैं। पशु अपना जो हरा चारा मिला है पशुओं को ज़्यादातर सूखी तूड़ी कम डाली है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, जिसमें विशेष तौर से जो बहने वाली गाय है, देखिए ये गर्मी में काफ़ी तकलीफ में है, तो दिन में भी पानी पिलाते हैं और फिलहाल अपना जो हरा चारा खा रहे हैं। तो साथियों आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।